ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 15 जनवरी 2024 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो प्रश्न कमेंट सेक्शन में आते हैं उसका उत्तर देने का समय है। और पहला जो प्रश्न कल का आ रहा है वो PK सिंह करके यूजर है, जिन्होंने पूछा है मंत्र जाप करने के लिए क्या स्पेशल नियम होता है, क्या मंत्र जाप सुबह करना चाहिए, संध्या काल को करना चाहिए। मंत्र जाप से संबंधित इनका प्रश्न है जो कि काफी अच्छा है, बहुत सारे व्यूवर्स को ये प्रश्न पसंद भी आएगा। देखिए, आप किसी भी प्रकार का एनर्जी अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं, किसी भी टाइप की एनर्जी अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है वो प्रातः काल में जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। और इसका साधारण रूल है, तीन रूल होते हैं मंत्र जाप करने का। अगर आप तीनों रूल को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो मंत्र जाप का जो परिणाम होगा वो हमेशा जल्दी मिलेगा और अच्छा मिलेगा। अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो फिर केवल आप फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। जब भी कभी मंत्र जाप किया जाता है तो उसके लिए आपको एकांतवास की जरूरत पड़ती है, अर्थात ऐसे जगह बैठिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, एकदम चारों तरफ शांत वातावरण होना चाहिए। तो आपको ऐसा स्थान ढूंढना पड़ेगा जहां पर शांत वातावरण हो, जहां पर आपकी जो आत्मा है वो एक्टिवेट हो जाए और मंत्रों का प्रभाव आपके पास आ जाए। दूसरा, किसी भी प्रकार के साफ वस्त्र को जमीन पे बिछाइए और जमीन पे बैठ के ही, यानी आपको भूतल पर ही बैठकर, जमीन पर बैठकर ही आपको मंत्र जाप करना चाहिए। और तीसरा है, जब भी मंत्र जाप कीजिए उसके लिए आपको माला लेने की जरूरत पड़ती है। अब इस पे भी कई लोग बोलते हैं कि तुलसी की माला से मंत्र जाप किया जाए, रुद्राक्ष से किया जाए, किससे किया जाए। तो मेरा बड़ी सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि आप कोई भी माला यूज कीजिए, हमें तो काउंटिंग से मतलब है। अब देखिए, चीजें कॉमर्शलाइज्ड हो गई हैं तो जिनको अपने पर्टिकुलर टाइप के माले को सेल करना है वो उस तरीके का बोलते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप किसी भी माले को लीजिए, आपको 108 बार उसका काउंट करना है। काउंट करने के लिए फिंगर पे भी कई लोग काउंट करते हैं, लेकिन ऐसे करते समय लगता है कि आपका पूरा ध्यान जो है वो काउंटिंग की तरफ चला जाता है, भगवान की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। इसलिए किसी भी माले को लीजिए और आंख बंद कीजिए। आंख बंद करने के बाद अपने ललाट पर उस भगवान का इमेज बनाने की कोशिश कीजिए जिसका मंत्र जाप कर रहे हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का बीच मंत्र कर रहे हैं तो आपको शंकर भगवान का इमेज दिखाई देना चाहिए आंख बंद करने के बाद। अगर आपको इमेज दिख रहा है फिर काउंटिंग कीजिए, आपको प्रभाव बहुत जल्दी मिलेगा। आइए बात करते हैं कल के पंचांग को लेकर। देखिए, कल 15 जनवरी है और दिन जो रहेगा सोमवार रहेगा। पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी पूरे दिन रहने वाली है। चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। वर्यान योग पूरे दिन लगभग रहेगा और 3:35 संध्या काल तक या दोपहर तक आप मान के चलिए बव करण रहेगा, उसके बाद बालव करण का प्रारंभ हो जाएगा। तो पंचांग में जो भी चीजें हैं आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में भी दिखाया जा रहा है। और अब हम सीधे बात करने वाले हैं कल का दिन मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है। स्टार्ट करते हैं मेष लग्न से। देखिए, जितने भी मेष लग्न वाले जातक हैं, क्योंकि कल भी चंद्रमा जो रहेंगे कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे तो आय के साधन में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध में गंभीरता आएगी, लेकिन धन संचय करने का जो प्रयास है आपका वो तभी फलीभूत होगा जब आप कर्म पे विश्वास करेंगे। कल के दिन भाग्य का सहयोग आंशिक रूप से मिलेगा और आपके जीवन साथी के साथ कोई मतभेदता खत्म होगा और जीवन साथी भी आपको मोटिवेट कल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। कल के दिन ज्यादा से ज्यादा आपको पीले कलर के वस्तुओं को धारण करना चाहिए। कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 5 अंक आ रहा है और कल के दिन आपका जो स्पीडोमीटर है वो 80% तक आपके फेवर में है। शुभ
अंक और शुभ रंग के बाद उपाय क्या करना चाहिए इसको भी आपको नोट कीजिए। कल के दिन गौ माता की सेवा कीजिए, कल के दिन कोशिश कीजिए अगर आपके पास समय हो तो मंगल का बीज मंत्र कर लीजिए जिससे कि दिन आपका अच्छा बीतेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन औसत से अच्छा बीतने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति थी तो वो खत्म हो जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगी, शरीर में ऊर्जा का संचार रहेगा। ऊर्जावान महसूस करने के कारण किसी भी चैलेंजिंग कार्य को आप पूरा कर पाइएगा, लेकिन यात्रा करने से कल के दिन बचना चाहिए। यात्रा करने से कोई आपका काम कल के दिन नहीं बनेगा और उल्टा शरीर में थकावट की अनुभूति भी आपको करना पड़ेगा। वित्तीय लेन देन में आपको बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाना चाहिए और कल का दिन ओवरऑल आपके पक्ष में 76% तक स्पीडोमीटर बता रहा है। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग रक्त लाल आपके लिए बनकर आ रहा है। कल के दिन उपाय के लिए शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग शा शुक्राय नमः का जाप कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया बीतने वाला है। केवल आपको गणेश जी की पूजा करते रहना है और सारे काम आपके बनेंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित रूप से हो, हर तरीके से चीजें बनेंगी। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से कल के दिन मुलाकात भी होगा जिसके कारण मन प्रसन्नचित रहेगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगा। लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए कल थोड़ा सा चैलेंजिंग दिन हो सकता है और ओवरऑल काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आप ज्ञान अर्जन कर पाइएगा। प्रेम संबंधों में कल का दिन सामान्य रहने वाला है, स्पीडोमीटर 86% आपके फेवर में बता रहा है और कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 4 अंक है और शुभ रंग गहरा नीला कलर आ रहा है। इन दोनों का अगर आप यूज करते हैं दिन अच्छा बीतेगा। और उपाय के लिए गौ माता की सेवा कीजिए और बुध का बीज मंत्र अगर आप कल के दिन करते हैं तो दिन और श्रेष्ठ बीतेगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले लग्न वाले जातकों के लिए अर्थात कर्क लग्न वाले जातकों के लिए 15 जनवरी 2024 कैसा बीतेगा। देखिए कर्क लग्न में कल के दिन भी आपको जल वाले क्षेत्र से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए, लेकिन संध्या काल के बाद भाग्य आपका बहुत तगड़ा साथ देने वाला है। भाग्य कारण जो है किसी भी रुके हुए कार्य को आप पूरा कर पाइएगा और इस दिन अर्थात कल जो है आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको लाभ जो है संध्या काल के बाद ही मिलेगा। संध्या काल तक थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, इफ बट की कंडीशन बहुत ज़्यादा आप कल बना कर रखेंगे, लेकिन फिर भी संध्या काल के बाद पूरा दिन अच्छा रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है, वाणी संयमित रखिए और कभी भी कोई विवाद होता हो तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल कल का दिन आपके लिए 80% तक का अच्छा रहेगा और कल का जो शुभ रंग आ रहा है वो आसमानी कलर आ रहा है और शुभ रंग आपके लिए 6 अंक आ रहा है। कल के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए तो दिन आपका अच्छा ही बीतेगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए सिंह लग्न वाले जातकों के लिए जीवन साथी के साथ कल वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में काफी मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। कल के दिन प्रेम प्रसंग के लिए समय अच्छा नहीं है और बड़े भाई बहनों के साथ भी वाद विवाद हो सकता है। संतान पक्ष से लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है, आर्थिक स्थिति यथावत बनी रहेगी और कल का जो स्पीडोमीटर है 83% तक आपके फेवर में है। कल के दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैरून कलर यूज़ करना चाहिए और शुभ अंक 7 आ रहा है। उपाय के लिए कल के दिन अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं तो कल का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा बीतेगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले लग्न वाले जातकों के लिए कन्या लग्न में कल का दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन काफी बेहतरीन बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और दूसरे तरफ आपको मानसिक सुख की अनुभूति होगी। जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे और आपके जो संतान है उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र पे कुछ गुप्त शत्रु आप पर निगेटिव हो सकते हैं, गुप्त शत्रुओं का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिनको त्वचा संबंधित विकार है वो कल के दिन ज़्यादा बढ़ सकता है और कल के दिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत जरूर रहिएगा। कल का जो स्पीडोमीटर है 70
7% तक आपके फेवर में है, और कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग जो बन रहा है वो आपके लिए गहरा नीला कलर बन रहा है। इन दोनों कॉम्बिनेशन को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए और साथ में गणेश जी की आराधना कीजिए। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए तुला लग्न के जितने भी जातक हैं उनके लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्राएं करना आपके लिए काफी श्रेष्ठ कर रहेगा। जिस उद्देश्य से यात्रा करेंगे उस उद्देश्य को आप सिद्ध कर पाइएगा। आपको पुराने मित्र रिश्तेदारों का सहयोग भी मिलेगा और मानसिक सुख की प्राप्ति भी होगी। जीवन साथी आपके साथ रहेंगे कल के दिन पूरा और आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। केवल वाद विवाद से आपको दूर रहना है, एक ही काम है, कल के दिन वाद विवाद से दूर रहिए। और भाग्य का सहयोग भी आपको आंशिक रूप से कल मिलता रहेगा। कल ज्यादा से ज्यादा 7 अंक का यूज कीजिए और रंग जो आपको कल यूज करना है वो काला रंग ज्यादा यूज कीजिए तो आपके लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। और उपाय के लिए आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए या गरीबों में कुछ अन्न या वस्त्र का दान कीजिए जिससे कि दिन आपका अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लग्न वाले जातकों का कल पूरा दिन मानसिक चिंताओं से ग्रसित रहने वाला है। एक तरफ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी और मानसिक चिंताएं भी रहेंगी और कार्य व्यवसाय को लेकर भी कल सामान्य दिन रहने वाला है और पूरे दिन उतार चढ़ाव लगा रहेगा। वार्तालाप करते समय वाणी को संयमित कीजिए, ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों से अनुरोध कर रहा हूँ। नहीं तो एक बार वाणी खुल गई तो इतना ज्यादा विवाद होगा कि परेशानी रहेगी। गले संबंधित विकार भी कल के दिन ज्यादा बढ़ सकते हैं और आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहना चाहिए। ओवरऑल कल का जो दिन मुझे दिखाई दे रहा है वो 73% तक आपके फेवर में है। शुभ अंक 1 और शुभ रंग जो है वो गहरा नीला कलर आपके फेवर में आ रहा है। उपाय के लिए कल के दिन अष्टलक्ष्मी का ध्यान कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए धनु लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन औसत से अच्छा बीतने वाला है। धनु लग्न वाले जातक कल किसी भी कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसका अंत भी आप कर पाइएगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। प्रेम प्रसंग में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है और बड़े भाई बहनों के साथ भी आपको सहयोग कल नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन भाग्य का सहयोग जो रहेगा वो आंशिक रूप से मिलने वाला है। ओवरऑल यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। ओवरऑल कल का स्पीडोमीटर 81% आपके फेवर में है और कल ज्यादा से ज्यादा आपको हल्का नीला कलर यूज कीजिए और शुभ अंक 6 अंक आपके लिए फेवरेबल बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, पाठ कीजिए तो आपके लिए कल दिन अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कल मकर लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए मकर लग्न वाले जातकों के लिए कल खर्च बहुत ज्यादा रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, खर्च पे खर्च बढ़ता रहेगा जिसके कारण मानसिक तनाव भी थोड़ा रहेगा और उस पर अकस्मात यात्रा के योग भी कल बनते हैं। प्रेम संबंध सामान्य से अच्छे रहेंगे और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। संतान पक्ष से भी लाभान्वित आप रहने वाले हैं और कार्य व्यवसाय में भी आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कल के दिन ज्यादा से ज्यादा आपको नारंगी कलर के वस्तुओं का दान करना चाहिए। शुभ अंक कल का 5 और शुभ रंग जो है आपके लिए सफेद कलर बनकर आ रहा है। नारंगी कलर के वस्त्रों का दान करना अगर आप कल कर लेते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा सा चिंतित वाला ही रहने वाला है। किसी भी प्रकार का भाग्य कल भी साथ नहीं देने वाला है और नौकरी व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के योग भी कल के दिन बन रहे हैं। किसी भी काम को कर रहे हैं तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा कीजिए, उसके बाद किसी भी काम को करेंगे तो उसमें आपको एटलीस्ट रुकावट नहीं देखने को मिलेगा। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। मित्र या रिश्तेदार आपको मोटिवेट करते हुए दिखाई देंगे लेकिन जो परेशानी है वो अभी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी कल आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 9 अंक आ रहा है और आपके लिए कल का जो शुभ रंग है वो ब्लैक कलर बनता है।
काला रंग का ज्यादा यूज कीजिए और 9 अंक ज्यादा यूज कीजिए। उपाय के लिए कल के दिन अनाथालय में फल का दान कीजिए या गरीबों की सेवा करते हैं तो दिन अच्छा रहेगा। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां चल रही थी वो खत्म होगा, लेकिन उदर संबंधित परेशानी थोड़ा सा संध्या काल के बाद बढ़ सकता है। खाने पीने की वस्तुओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कल के दिन भाग्य साथ पूरा नहीं देगा, आंशिक सहयोग मिलेगा। आपको कल के दिन जो ओवरऑल कल का जो दिन रहेगा वो व्यावसायिक मामलों में सफलता देने वाला होगा। धन संचय करने के लिए अच्छा दिन है, लेकिन कल के दिन स्वास्थ्य जो है संध्या काल के बाद थोड़ा उथल पुथल हो सकता है। कल के दिन कोशिश कीजिए कि कोई भी काम अगर प्रारंभ करते हैं तो विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद दीजिए। केसर का तिलक कल लगाना बड़ी अच्छा रहेगा। स्पीडोमीटर 87% तक अच्छा फिर भी दिखाई दे रहा है और कल का जो शुभ अंक है वो 2 अंक बन रहा है और जो शुभ रंग है वो आपके लिए पीला कलर बन रहा है। तो इन दोनों का आप ज्यादा से ज्यादा कल यूज कीजिए और कल के लिए उपाय करना हो तो किसी भी गरीब लोगों को अगर आप कुछ वस्त्र या अन्न का दान करते हैं तो दिन अच्छा रहने वाला है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल 15 जनवरी 2024 कैसा बीतने वाला है। अभी के लिए इतना ही, आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा, ओम नमः शिवाय।